तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग गोवा तो पहुंच गए हैं लेकिन हमारा रिजॉर्ट यहाँ से हो चुका है गायब। ये टीटो लेन के पास बता रहा था लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हस्बैंड गए हैं अभी ढूंढने, क्योंकि मैप पे जो दिखा रहा है लोकेशन वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फ़ोन नंबर कोई उठा रहा है। हाँ, अगर इस रिज़ॉर्ट में आप भी रुकना चाहते हैं ना, तो ये थोड़ी सी मुझे शिकायत है रिज़ॉर्ट वालों से कि अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये दे के रखें गोए वीवो से। तो फाइनली मिल गया था और साथ में ही था वैसे तो, लेकिन थोड़ा मैप पे गलत दिखा रहा था। तो ये है हमारा रिज़ॉर्ट जो कि मैं थोड़ा सा आपको शो करवा रही हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा था रिज़ॉर्ट, रिज़ॉर्ट में कोई शिकायत नहीं। ब्रेकफास्ट भी बढ़िया था यहाँ का, बहुत बढ़िया था, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था बीच में। और एरिया बहुत अच्छा था यहाँ पे, बागा बीच के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं अगर बीच पे जाते हैं तो। और आसपास काफ़ी हरियाली वगैरह सब दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यह बाहर का मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा रूम का टूर दे रही हूँ। रूम भी काफ़ी अच्छे थे, वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। तो ये, और पूल यहाँ का बहुत अच्छा था, बच्चों ने और हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है ये। अभी मैं आपको रूम का दिखाती हूँ। और ये हमारा सूट था ना, तो डबल बेड एक बच्चों के लिए भी हो गया था और एक हमारा भी हो गया था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे और नीट एंड क्लीन यहाँ पे रूम्स थे। काफ़ी बड़ा रूम था और वॉशरूम भी बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने बताया। तो ये रही मैं, और ये आपको वॉशरूम का थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। तो पूल फेसिंग हमारा ये रूम था, काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा था, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग, ये मॉर्निंग का मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ रूम का, उसके बाद हम लोग निकल गए थे बीच पे। तो बीच पे भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। हाँ, टैनिंग हो गई थी फर्स्ट डे हमारी हमें तो, लेकिन मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो बच्चों ने खूब ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। गर्मी लग रही थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी, बस तेज़ धूप लग रही थी, वैसे नहीं था। हाँ, टैनिंग हो जाती है लेकिन वैसे गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने भी अपनी बहुत सारी रील्स बनाई यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए और शॉर्ट्स वीडियो के लिए। तो हमारा रिजॉर्ट बागा बीच के बिल्कुल 200-300 मीटर पे ही था, तो ये वॉक इन पे ही था और बहुत अच्छा था। और मॉर्निंग टाइम में ना बिल्कुल भीड़ नहीं होती यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से मज़े से इन्जॉय किया हम लोगों ने। शाम के टाइम बहुत भीड़ हो जा रही थी, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो सुबह सुबह में बिल्कुल खाली खाली सा, और बहुत अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ वोटोज़ भी अच्छी आ रही थी, सब अच्छा आ रहा था, और खूब ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे टीटो लेन वगैरह क्लब्स वगैरह बहुत सारे हैं, और काफ़ी मतलब सुबह रहती है यहाँ पे, शाम को इन्जॉय किया। बिल्कुल रिजॉर्ट खास में था, नाजरी रिजॉर्ट खूब अच्छे से आए। नाजरी रिजॉर्ट पे हम लोग रुके हुए थे, बागा बीच के बिल्कुल पास में ही। सोम के से बैठा हुआ है, साइबर मज़े से इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी देर तक हम यहाँ पे रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बीच पे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको अपने अच्छे वाले ब्लॉग में, और भी ज़्यादा अच्छे वाले ब्लॉग में। जुड़ी रहिएगा मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे। मैं अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।